सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, उसी से आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको टॉक से स्पीक और टेल में डिफरेंट बताऊंगा। गाइस आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंसेस, यानी कि मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा इन सभी वर्ड्स से रिलेटेड, और इसके अलावा इनकी मीनिंग्स भी बताऊंगा, और इसके अलावा एग्जांपल्स भी बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं टॉक को। और टॉक के बारे में समझाने से पहले यार वीडियो को लाइक तो कर दो, छोटा सा काम है, लाइक ज़रूर कर देना। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे टॉक। तो टॉक का हम लोग यूज करते हैं किसी से किसी भी टॉपिक पर बातचीत करने के लिए, यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करेंगे किसी भी टॉपिक पे, तो वहाँ पे टॉक का यूज करेंगे। आइए एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राम इज टॉकिंग टू मोहन अबाउट स्टडी। तो राम जो है वो मोहन से बात कर रहा है किस टॉपिक पे? पढ़ाई के टॉपिक पे। तो आप इसी समझ जाइए कि यहाँ पे दो लोगों के बीच में बात हो रही है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, द डॉक्टर टॉक्स विथ फैमिली अबाउट पेशेंट प्रॉब्लम। तो अब क्या है, डॉक्टर और फैमिली जो है, पेशेंट की फैमिली है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं किस वजह से? अबाउट पेशेंट की प्रॉब्लम, यानी कि पेशेंट की प्रॉब्लम के बारे में। अब आगे देखिए थर्ड सेंटेंस, तो लिखा हुआ है कैन आई टॉक टू यू। अब ये बात जब किसी से कहेंगे कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या, या क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो ये बात जब हम कहेंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति से ही तो कहेंगे। तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वहाँ पे टॉक लगाते हैं। इसी तरीके से लास्ट सेंटेंस देख लो, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। अब कोई भी व्यक्ति है वो आपसे बात कर लेगा, तो इसके बाद में आप यही तो कहोगे ना, थैंक मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम टॉक का यूज कहाँ पे करते हैं। अगर आप चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं से के बारे में। अब से का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी को कोई थॉट, ओपिनियन, सजेशन देना हो, या फिर कहना शब्द के लिए। तो हम लोग अभी बात करने के लिए यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे कोई बात कहनी हो, अपनी बात कोई कहनी हो, तो वहाँ पे हम इसका से का यूज करते हैं। तो आइए देखिए कैसे। मोहन सेस, ये वाला ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, मोहन सेस लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। अब मोहन क्या कह रहा है, वो कह रहा है ठीक है कि इंग्लिश स्पीकिंग सीख लो। इसके बाद में देखिए अगला सेंटेंस है, डॉक्टर सेस पेशेंट विल टेक फ्यू डेज टू रिकवर। यानी कि डॉक्टर कहता है कि पेशेंट, यानी कि मरीज कुछ दिन लेगा ठीक होने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, पहले वाले में यहाँ पे टॉक था, वहाँ पे फैमिली और डॉक्टर के बीच में बातचीत हो रही थी, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जो है वो कह रहा है फैमिली से कि ये ठीक होने में कुछ दिन लेगा। ओके, इसके बाद में लिखा हुआ है आई कैन नॉट से दिस। अब कोई भी बंदा है आपसे कह रहा है कि ऐसी बात उसको कह दो, मतलब कई बार गांव में होता है किसी का नाम बिगाड़ना होता है, तो कहते हैं ना कि उसको कल्लू कह दो तो जाने, ठीक है। तो इसी तरीके से जब कोई भी व्यक्ति आपसे कहेगा उससे ये बात कहो, तो आप उसको जब मना करते हो कि मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, तो हम लोग ये बात सजेशन देते हैं या फिर अपना थॉट या ओपिनियन देते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि से मीन्स कहना होता है, जब भी कहने के लिए हम लोग से को यूज करते हैं। इसके बाद में फोर्थ सेंटेंस देख लीजिए, यू कैन से थैंक्स। अब देखिए गाइस ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये थैंक यू है ना, तो कोई भी व्यक्ति है आपने उससे थैंक यू बोला, तो आपको पता ही होगा, आपने अगर वीडियो देखा हुआ है ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि थैंक्स कहाँ पे बोलते हैं, थैंक यू कहाँ पे बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि आप थैंक्स बोल सकते हो, अभी उसने थैंक यू बोला था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप थैंक्स बोल सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्पीक के बारे में। जब कोई भी भाषा बोलने का या फिर बोलने की बात हो, जब भी कोई भाषा बोलने की या फिर बोलने की बात हो, तो वहाँ पे स्पीक की बात करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं, दे बोथ आर स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि वे दोनों इंग्लिश बोल रहे हैं। यहाँ पे भाषा की बात हो रही कि इंग्लिश बोल रहे हैं। इसके बाद देखिए डॉक्टर स्पीक स्लोली। अब यहाँ पे बोलने की बात हो रही है कि डॉक्टर जो है वो धीरे से बोलता है या स्लोली बोलता है। ओके, इसके बाद में लिखा हुआ है सी कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी। अब यहाँ पे फिर से बोलने की बात हो रही है कि
वह मेरे सामने नहीं बोल सकता या वह मेरे सामने बात नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे स्पीक को यूज करते हैं कोई भी चीज़ बोलने के लिए या फिर कोई भी भाषा बोलने के लिए। डोंट स्पीक हिंदी, अब यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी मत बोलो, यानी कि मना कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हम लोग स्पीक को कहाँ पे यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और टेल के बारे में बताते हैं। तो टेल का यूज हम लोग करते हैं किसी को कोई इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देना हो, है ना, कोई इन्फॉर्मेशन देना हो या कोई इंस्ट्रक्शन देना हो तो वहाँ पे हम लोग टेल का यूज करते हैं, या फिर कुछ बताना हो या सुनाना हो, स्टोरी सुनाने के लिए भी हम लोग टेल का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझा देते हैं। तो देखिए ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो लिखा हुआ है मोहन टेल्स राम, मोहन राम को बताता है ना, जो बताना शब्द है, अबाउट अ कोचिंग सेंटर। तो यहाँ पे क्या है, राम जो है वो बता रहा है। पहले उसने क्या किया, वे दोनों आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। दूसरे में उसने क्या किया, जो मोहन है उसने कहा उसको, है ना। उसके बाद में तीसरे में क्या हुआ कि वे दोनों बोल रहे थे इंग्लिश, है ना। अब इसमें फोर्थ वाले में क्या होगा कि इसमें वो बता रहा है या सुना रहा है ना, कि मोहन मतलब कोचिंग के बारे में राम को बता रहा है। इसी तरीके से आगे बढ़िए, ये फैमिली टेल्स हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज सिचुएशन, जो पेशेंट था उसकी सिचुएशन के बारे में फैमिली जो है उसके दोस्तों को बताती है, यानी कि पेशेंट के दोस्तों को फैमिली मरीज के सिचुएशन के बारे में बताती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बताना या सुनाना शब्द का यूज हो वहाँ पे हम लोग टेल का यूज करते हैं। इसके बाद में देखिए आगे लिखा हुआ है टेल मी अबाउट यू, सेंटेंस में आप देख सकते हैं वो कह रहा है कि अपने बारे में बताइए। तो इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे कि बताने के लिए या सुनाने के लिए हम लोग टेल का यूज करते हैं। इसके बाद में आई हैव टोल्ड यू मैनी स्टोरीज, मैंने आपको बहुत सारी स्टोरीज बताई हैं। अभी यहाँ पे टेल का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे हम टेल को लगाते हैं, कहाँ पे स्पीक को लगाते हैं और कहाँ पे से को लगाते हैं, इसके अलावा कहाँ पे टॉक को लगाते हैं। और गाइस अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, छोटा सा काम है, आप रेड बेल आइकन को दबा ही सकते हो यार, तो दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।